फ्रेंड्स, आज हम पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। इससे पूर्व हमने चार वीडियो जारी किए हैं पैसिव वॉइस पर, जिसमें जनरल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, एक एक्टिव वाक्य को पैसिव वॉइस में किस तरह से बदला जाता है, उसके क्या क्या नियम है वो विस्तार से हमने आपको समझाए। उसके बाद में हमने परफेक्ट टेंस के तीनों प्रकार के वाक्य अर्थात चौथा वाक्य जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक के पैसिव वॉइस हमने सीखे। आज हम पास्ट टेंस को सीख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस और परफेक्ट। नियम वही है, सब्जेक्ट अर्थात पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस होगा। एक्टिव वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुरूप अर्थात वाक्य कौन से टेंस का है उसके अनुरूप हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई आवश्यकता हो तो, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस होगा। तो शुरू करते हैं पास्ट टेंस, शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस को सीखते हैं। अब नियम यही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वाक्य हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो वाज या वर हो जाती है। तो मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब हर वाक्य की दूंगा जो पढ़ाऊंगा आपको, वाज या वर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम एज ए हेल्पिंग वर्ब वाज रखेंगे, और यदि प्लूरल होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। अब एक सेंटेंस लेते हैं जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। पहला वाक्य, जैसे राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कैसे? सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग हुआ है। और ऐसा वाक्य जो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। अब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखिए पैसिव वॉइस की नियम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस। तो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? रावण। तो ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने शुरुआत की वाक्य की यहां से, रावण फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज या वर होंगी। रावण एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अर्थात वाज का प्रयोग करेंगे, रावण वाज। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, किल्ड बाई, किल्ड बाई, और ऑब्जेक्ट क्या है? रावण। राम किल्ड रावण, पैसिव वॉइस बना रावण वाज किल्ड बाई राम। आप इसका नेगेटिव लेते हैं, अगर ये वाक्य नेगेटिव होता एक्टिव का तो फिर उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनता, ये देखिए, राम डिड नॉट किल रावण, ये हमारा वाक्य नेगेटिव हो गया। इस नेगेटिव वाक्य को भी हम पैसिव वॉइस में बदलना सीख रहे हैं। तो केवल इतना है कि यहां भी तीसरे नंबर पे एक्टिव में नॉट है तो वहां भी तीसरे नंबर पे पैसिव वॉइस में भी तीसरे नंबर पे ही नॉट का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए राउंड जो इसका ऑब्जेक्ट है तो पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया हमने, रावण की हेल्पिंग वर्ब वही वाच, और वाज के बाद में या डिड के बाद में नॉट है तो वह वाज के बाद में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट किल्ड बाई राम। राम जो सब्जेक्ट था तो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव ले रहे हैं, तो
डिड वाक्य के शुरू में आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। डिड राम किल रावण, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आप ऐसे वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम इसको भी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब से लेंगे। तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है तो वहां हमारा राउंड जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज, वाज रावण किल्ड बाय राम, वाज रावण किल्ड बाय राम। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डिड राम नॉट किल, डिड राम नॉट किल रावण, और पैसिव बनेगा वाज रावण नॉट किल्ड बाय राम। तो इस तरह से देखिए ये एक्टिव ये पैसिव, ये एक्टिव ये पैसिव, तो चारों वाक्य जो इंडेफिनेट के जो वाक्य हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हमने पास्ट इंडेफिनेट के चारों वाक्यों को हमने एक्टिव से पैसिव इसमें बदलना आपको समझाया सिखाया। अब लेते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा ले रहे हैं, एक वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ले रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहां हम लिख देंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस की, वाज या वर प्लस बी, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूस शो करने के लिए हमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर उस आईएनजी को शो करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ ये लगानी होती है। एक उदाहरण दीजिए, सी वाज मिल्किंग ए काउ, सी वाज मिल्किंग ए काउ, कौन सा टेंस हुआ देखो ये सी के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज और वाज के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो नियम वही है, एकाउ इसका जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए एकाउ और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब से एक ये सिमिलर है तो वाज आ जाएगा, एकाउ वाज, और क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमें बीइंग लगाना पड़ेगा, एकाउ वाज बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस्ड बाई और सी का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, सी वाज मिल्किंग एकाउ, एकाउ वाज बीइंग मिस्ड बाई हर। नेगेटिव बनाइए, सी वाज नॉट मिल्किंग ए काउ, पैसिव वॉइस बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस है तो ए काउ जो इसका ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना देंगे हम, ए काउ वाज नॉट, नॉट का तीसरा स्थान रहेगा, इसके बाद में बीइंग, ए काउ वाज नॉट बीइंग मिल्क बाई हर, ये इसका दूसरा हो गया। इसको इंट्रोगेटिव बनाइए कि वाक्य को, वाज सी मिल्किंग ए काउ, वाज सी मिल्किंग ए काउ, पैसिव वॉइस बनाइए वाज ए काउ बीइंग मिल्क बाय हर,
ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। वाज सी नॉट मिल्किंग ए काउ, ऐसे कुछ बनाइए। वाज ए काउ नॉट बीइंग मिल्क बाय हर। तो देखिए इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के चार वाक्य लिए हम, पहला हमारा अफर्मेटिव है, सी वाज मिल्किंग ए काउ, इसको पैसिव से बदला ए काउ वाज बीइंग मिल्क बाय हर, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया। फिर नियम अनुसार पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाई वाज बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को रखा, जो उसका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाकर हमने सी का हर लिख दिया पाई हर। इस तरह से हमने चारों प्रकार के वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो हेड बीन हो जाती है। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड बीन, सभी के साथ हेड बीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लुरल सब के साथ हेड बीन का प्रयोग करिए। देख एक सेंटेंस, पहला वाक्य ले रहे हम, दे हैड ईटन फूड, दे हैड ईटन फूड, दे के बाद में हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनेट सॉरी पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, दे हैड ईटन फूड। अब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो फूड जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का हमने सब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद में फिर ये कि हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, फूड हैड बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और बाई और दे जो उसका ऑब्जेक्ट है सॉरी सब्जेक्ट है उसको हम दे में बदलकर ऑब्जेक्ट करते हैं। फूड हैड बीन ईटन बाई देम, फूड हैड बीन ईटन बाई देम। दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं हम पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव, दे हैड नॉट ईटन फूड, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो लीजिए फूड हैड नॉट बीन तीसरे स्थान पे रखे हैं नॉट को, हैड बीन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और जो दे सब्जेक्ट था उसको हमने दे में बदलकर ऑब्जेक्ट बना दिया, फूड हैड बीन ईटन बाई दे। अब लीजिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड दे ईटन फूड, पैसे उस बनाइए हैड, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हुआ, हैड फूड और बीन ईटन बाई देम। और अंतिम इसका हैड दे नॉट ईटन फूड, कैसे सुनाइए हैड दे सॉरी हैड फूड नॉट बीन
रिटर्न बाय नेम। तो देखिए इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस के ये चारों वाक्य जो एक्टिव हैं, इनको हमने नियमानुसार पैसिव इसमें बदला। तो हमने एक एक उदाहरण आपको पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव इसमें बदलने के नियम सहित आपको समझाया। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है, इसके अनुरूप ही हमने इन एक्टिव वाक्यों को पैसिव इसमें बदला है। आप कुछ और एक्सरसाइज देखिए जो तीनों की कंबाइंड है, जिसमें इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तीनों वाक्य जो हम एक साथ चला रहे हैं, और तीनों के एक एक उदाहरण में आपको और देगा। पास्ट टेंस अर्थात इसमें इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तीनों प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। पहला सेंटेंस लेते हैं हमने, सी हेल्प मी, सी हेल्प मी। एक वाक्य और ले रहे हैं हम, मोहन गेव मी ए पेन। एक सेंटेंस और ले रहे हैं हम, गीता वाज राइटिंग ए पोएम, गीता वाज राइटिंग ए पोएम। ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, सी हैड कुक्ड फूड। I had broken a glass। तो इस तरह से देखिए मैंने दो दो वाक्य तीनों टेंस के इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के लिए हैं, और आप हम इनको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। सभी वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहला वाक्य है सी हेल्प मी, दोनों तरफ प्रोनाउन है, एक तरफ थर्ड पर्सन है, एक तरफ फर्स्ट पर्सन है। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इसको पैसिव वॉइस बदलना है। सी सब्जेक्ट, हेल्प ये सब्जेक्ट आ गया, ये मैन वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। आप पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार इस एक्टिव वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट लेना है। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये जब सब्जेक्ट में जाएगा तो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस बन जाएगा, तो ये हो गया आई। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट। सब्जेक्ट आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस की वाज या वर, तो आई के साथ वाज, आई वाज, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प बाई और सी का हाँ। आई वाज हेल्प बाई हाँ, आई वॉज हेल्प बाई हर। मोहन गेव मी ए पेन, मोहन गेव मी ए पेन, ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है दो है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर हम इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो भी वाक्य बदला जाएगा, जैसे ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई मोहन, ए पेन आ जाएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज, ए पेन वाज गिवन थर्ड फॉर्म, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे,
टू मी बाय मोहन, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय मोहन या आई वॉज गिवन ए पेन बाय मोहन, दोनों तरह से। गीता वॉज राइटिंग ए पॉइंट, ये वाक्य भी पास कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए ध्यान दें आपको कि इज सॉरी वाज वर्ब के साथ में बीइंग लगाना नहीं भूले। ए पोएम, ये जो इसका ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन गया ए पोएम वाज, और कंटिन्यूअस टेंस है इसकी बीइंग, ए पोएम वाज बीइंग रिटन थर्ड फॉर्म बाय गीता। गीता वाज राइटिंग ए पोएम, ए पोएम वाज बीइंग रिटन बाय गीता। नेक्स्ट है ही वाज वॉटरिंग द प्लांट्स, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो दी प्लांट्स है ये ऑब्जेक्ट, इसका हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा द प्लांट्स, और पास्ट टेंस है प्लांट्स प्लूरल है तो वर्क द प्लांट्स वर्क बीइंग वाटर्ड, वाटर्ड बाई हिम, ऑब्जेक्ट आ जाएगा ही का हिम, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट का, सी हैड कुक्ड फूड, हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो फूड आ जाएगा हमारा फूड हैड बीइंग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगी पैसिव, इसमें फूड हैड बीन कुक थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई हर, और अंतिम है आई हैड ब्रोकन ए ग्लास, ए ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाई मी। तो देखिए इस तरह से हमने तीनों टेंस के दो दो उदाहरण आपको दिए, और एक एक उदाहरण मैंने आपको उस समय समझाया था। मैं सोचता हूं पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नियमानुसार मैंने सारी चीजें आपको विस्तार से समझाई हैं। अब इसके बाद जो अपना अगला वीडियो जो होगा वो फ्यूचर टेंस पर होगा, और ये मैंने सब में पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डाल दिए हैं ताकि आप पढ़े तो क्रम से पढ़े, एक नंबर वीडियो, दो नंबर, 3, 4, 5 यू कंटिन्यू पढ़े ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं सोचता हूँ आप लोग अच्छी तरह से इसको समझे होंगे।